इन लोगों से जब भी माफी मांग रहे हैं स्कैमर्स दे आर जस्ट टेकिंग माय पासपोर्ट एंड दे आर आस्किंग मी मनी व्हाट इज इट यू हैव अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक टू माय चैनल होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। मेरा नाम सुमेन है। आप देख रहे स्पैन रिएक्शंस। यहाँ पे जी वंस अगेन मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कुछ लोग होते हैं जो कि आपकी कंट्री में जब भी कोई आता है फॉरेनर तो स्पेशली उसको टारगेट करते हैं और स्कैम्स वगैरह उनके साथ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो फॉरेनर होता है तो उसे ऐसे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता कि किस तरह की सोसाइटी है यहाँ पे, उसको कैसे चलना फिरना है, कौन सी चीज़ कैसी है, क्या है। तो इस वजह से उसको जो है ना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है, उस फॉरेनर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है बहुत सारी जगहों पर। यहाँ पे वंस अगेन एक ऐसी चीज़ हुई है कि यार एक इंडियन है जो तो पहले ही स्कैम हुआ हुआ था उनके साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे तो एक दफ़ा फिर जो है उनके साथ स्कैम करने की कोशिश की गई है जिसको लेके उन्होंने काफ़ी स्टेप लिया है और बाकायदा लोगों को अवेयर किया है। यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है कि लोगों को अवेयरनेस इन्होंने दी है और लोगों को बताया कि यार आपको इस चीज़ का ख्याल भी रखना है, इस चीज़ का ख्याल भी रखना है। इस टाइप के लोग अगर आपसे इस तरह से कोई बात करते हैं तो आपने उनको किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से टैकल करना है, ये चीज़ भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस वीडियो में बताई है। वेल इस वीडियो का मकसद बिल्कुल बांग्लादेश को इमेज को ख़राब नहीं करना क्योंकि ऐसे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं और ये नहीं कह सकते हम कि यार बांग्लादेश पूरा ऐसा है। बांग्लादेश के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टिल ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं और आपकी कंट्री का जो नाम है वो ख़राब करते हैं। अभी मैं आप लोग से ये वीडियो शेयर करूँगी अभी इन इंडियन भाई के साथ क्या हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। तो चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। इन लोगों से जब भी माफी मांग रहे हैं स्कैमर्स स्कैमर्स दे आर जस्ट टेकिंग माय पासपोर्ट एंड दे आर आस्किंग मी मनी व्हाट इज इट यू हैव। ये जो बंदा मुझे ले गया वहां पे, इन बंदू ने एक फेक बंदे को ऑफिसर बनाया हुआ था वहां पे। वो टका क्यों मेरे से पूछ रहा था, वो टका क्यों बोल रहा था, टका निकालो। कैसे हैं जनाब, मैं ये वीडियो लास्ट वीडियो से कंटिन्यू कर रहा हूँ। सॉरी स्कैम 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 हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन मेरे मुझे अपनी अपडेट बताना तो ज़रूरी होती है। लास्ट वीडियो से कंटिन्यू कर रहा हूँ, बेनापोल बॉर्डर तक पहुँचा था लेकिन उसके बाद मेरे साथ कुछ लड़कों ने स्कैम करने की कोशिश की लेकिन इस बार मैं पूरा अलर्ट था, पूरा कॉन्शियस था। जो मेरे साथ हुआ मेरे हिसाब से अच्छा ही हुआ, मुझे पता चल गया कि कितना अलर्ट रहना होता है। स्कैम करने की कोशिश करी लेकिन उनके बाद जो मैंने उनकी हालत करी वो आप इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। इसके बाद स्कैम की कोई वीडियो नहीं आने वाली है, मैं खुद बोर हो गया हूँ यार। मैं स्माइली बंदा हूँ, मेरे को खुशियाँ बांटना, खुशी से बात करना ये सब अच्छा लगता है लेकिन जब बंदे के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं तो प्रॉब्लम बार बार पता नहीं क्यों आती हैं, ये मुझे समझ नहीं आती है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपनी कमेंट में राय ज़रूर रखिएगा। यह है जी इमिग्रेशन ऑफिस, यहाँ से इमिग्रेशन करते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो मैं बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच चुका हूं, अभी मैं जा रहा हूं अंदर, बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ये थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूं आपको बॉर्डर का और मैं सारी कहूंगा कि मैं आपको क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। फिर से कह रहा हूं जो फ़ोन लिया हुआ है वो फ़ोन, हाँ मैं आपको बात बताना भूल गया यार, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैंने फ़ोन कैसे लिया। मेरे पास कुछ पैसे थे, ATM में पैसे थे, ATM वो नहीं लेके गई थी। मेरे पास जो ATM है वो इंटरनेशनली मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो ATM यूज़ करके मैंने पैसे निकलवाए थे। मेरे पास जो पैसे थे अब ख़त्म हो गए, रुकने के लिए भी नहीं थे और मुझे लगा कि मुझे निकलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच बांग्लादेश, मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, आप इसको गलत मत लीजिएगा। मैं उन सारे लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा, उन सारे बंधु को थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरी सपोर्ट करी। महराज भाई हो गए, अमित भाई हो गए, महजबीन, नैना, शबाना आपा, लेता रहूँगा रिहान के पापा, सब बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे सपोर्ट किया वहाँ पे, सबको दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा। और दुआ कीजिएगा मैं कि दोबारा बांग्लादेश में आ जाऊँ और मेरे साथ ये भी दुआ कीजिएगा कि मेरे गैजेट्स मिल जाए, नहीं मिलते हैं तो ये भी दुआ कीजिएगा कि मेरे पास अच्छे पैसे आ जाएँ। YouTube से मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ, आप मेरी वीडियोस शेयर करोगे तो मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं, मैं दोबारा से इक्विपमेंट्स लेके गैजेट्स लेके मैं दोबारा से अपनी ब्लॉगिंग है जो शुरू कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच एक बार फिर से सभी बांग्लादेश के लोगों का जिन्होंने मेरे साथ प्यार किया, मोहब्बत की,
उनको भी थैंक्स जिन्होंने नफरत की, उनको भी थैंक्स जिन्होंने चोरी की, उनको भी थैंक्स जो गैंग थी उनको भी थैंक्स, और इस लड़की को भी थैंक्स। क्या नाम था उसका, नाम तो पता नहीं क्या था, माहिरा क्या का? माहिरा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम क्या था उसका, कुछ मिम्मी बता रहे हैं क्या है। सबको थैंक्स, थैंक यू सो मच। टैक्स देना पड़ता है यार यहाँ पे, ये कुछ 1100 निकाला मैंने बांग्लादेशी, अगर इंडिया में एंट्री करोगे तो यहाँ पे इस गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। से कहानी शुरू होती है भाई, जब मैंने टैक्स पे किया कुछ 1060 मैंने पे किया, वो रिसिप्ट मुझे दी, फिर उसके बाद एक रिसिप्ट और मिली जिसके ऊपर मुझे भर के, लाइक एक स्लिप मिली मुझे जिसके ऊपर मुझे भर के वो वापस सबमिट करनी थी इमिग्रेशन ऑफिसर को। मेरे पास पेन नहीं था और मैंने क्या किया कि वो रिसिप्ट है जो मैंने दे दी, वो एक साथ लड़का था वही था जो बार बार मुझे कह रहा था, मुझे लग रहा था कि यही बोल रहा है कि रिसिप्ट भर के देगा वो, 20 लेगा, तो मेरे पास थे टकास थे, तो मैंने क्या करना था, नहीं कुछ भी रखे हुए भी हैं अपनी मेमोरीज़ के लिए, मैंने बांग्लादेशी टका भी रखे हुए हैं, चलिए वो बात की बात है। तो जब मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिया, पास में ही खड़ा था उधर, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था कि कुछ स्कैम हो सकता है, तो उसने रिसिप्ट भरना शुरू किया और मुझे बोलता है उधर चलो। मैंने कहा ये उधर क्यों जा रहा है यार, मुझे समझ नहीं आई कुछ उसने बंगाली में कहा, और ले जाने के बाद एक रूम में ले गया। आप पूरी कहानी देखिए फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। फिर मेरे साथ स्कैम हो रहा था, नो 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 स्कैम, दिस इज स्कैम गोइंग ऑन हियर बॉर्डर पे, 20% देवन देवन 20% देवन ना, ओ टका क्यों मेरे से पूछ रहा था वो, वो टका क्यों बोल रहा था, टका निकालो, कोड नंबर, वो ऑफिसर है, ऑफिसर वो ऑफिसर है क्या, वो ऑफिसर है, वेट 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 वेट, ये जो बंदा मुझे ले गया वहाँ पे, इन बंदों ने एक फेक बंदे को ऑफिसर बनाया हुआ था वहाँ पे, वो रिसिप्ट भरने लगा वहाँ पे और मुझे पूछने लगा कि तेरे पास इंडियन पैसे हैं, तो मैंने कहा इंडियन नहीं है मेरे पास। पूछता है बांग्लादेशी टका है आपके पास, मैंने कहा हाँ मेरे पास है बांग्लादेशी पैसे हैं। पूछता कितने, मैंने कहा होगा 4-5,000 होगा कुछ ऐसा मैंने बताया उसको, तो बोलता दिखाओ। जब उसने ये बात बोली तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। मैंने कहा क्या मैं अभी कॉन्शियस हूँ, मैं अनकॉन्शियस नहीं, उस लड़की ने अनकॉन्शियस करके मेरे साथ स्कैम किया, अभी तो कॉन्शियस हूँ, तो बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा रुक जा थोड़ा सा वेट कर तू, यार यहाँ पे भी स्कैम कर रहे हैं बॉर्डर पे मेरे साथ, बताता हूँ इनको, तो क्या लगा एक बार ये स्कैम कर लेंगे तो बार बार स्कैम करते रहेंगे, मेरे को साइड में जाके बोल रहे टका देगा। सर स्कैमर्स आर हियर, यू हैव हियर स्कैमर्स, स्कैमर्स दे आर जस्ट टेकिंग माय पासपोर्ट एंड दे आर आस्किंग मी मनी, व्हाट इज इट, यू हैव टू आवर ड्यूटी, यू हैव टू वर्क ऑन इट, दे जस्ट स्नैच माय पासपोर्ट एंड टेकन एंड आस्किंग मी टका, दे टुक मी ओवर देयर, ऑन दैट बिल्डिंग दे आर आस्किंग मनी, व्हाई टू स्टॉप, आई विल टेल टू द पीपल, आई विल नॉट स्टॉप, व्हाई टू स्टॉप दिस, they took my passport and asking me taka 5000 I asked civil ke shete oi chanda dui tala ni gela I will not know who is he, I don't know, you are officer, go with me, officer civil uni। अच्छा आपको ये जो सामने सर दिख रहे हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, तो वो मुझे बोलते हैं चलो मेरे साथ, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये ऑफिसर है क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं थी, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, मुझे नहीं पता कि आप ऑफिसर हैं, तो मैंने एक गन वाले बंदे को बोला कि मैंने कहा आप चलो साथ अगर वो ऑफिसर हैं तो, आई एम सॉरी ऑफिसर, आई डोंट नो ही इज नॉट ऑफिसर, यू गो विद मी, आई डोंट बिलीव, आई ऑलरेडी स्कैम्ड सर, आई स्कैम्ड माय फोन माय कैमरा एवरीथिंग स्नैच्ड, या एक बार कर लेंगे ये स्कैम मेरे साथ तो, नो 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 दियर दियर, दियर स्कैम करेंगे, दियर 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 दियर, दिस पीपल these people, this guy asking taka these people,
asking me taka taka asking me tumra ki taka bhagar dile kelaso e tumra ki taka bhagar dilaso to bidesh kor shudhi kara ekta kosho amra niye asni boshe উনি যে গিয়েছে সামনে রয়েছে তাদেরকে টাকা পাঠাবো উনি নিজে তো তারপরে তিনি আসেন দেখে দিছে তো কি করে বসে আর উনি লাইভ আছে তো সারা বাংলাদেশ দেখতে পাবে কেন ছবি সারা বাংলাদেশ দেখতেছে কেন আসছে দেখো এই আসছে একদিন দিন কত ভাই আছে বিরোধ তো দূর আছে আলমগীর আরে রাজা ওই দুটো ধরে নিয়ে আসে না ধরে নিয়ে আসে নিচে দেখা যায় আসেন কেন আসেন আসেন নিচে দেখা গেল না আসলে দেখতে কেন আপনি আসেন কেন না বিদেশি কে কারণে আসেন এখানে ये वीडियो आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी ये इंडियन ब्रदर जिनके साथ जी पहले भी स्कैम हुआ, इसकी वजह से काफी निराश थे, काफी गुस्सा थे, और फिर जब ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे फिर से कुछ स्कैमर्स ने इनके साथ स्कैम करने की कोशिश की, इनसे इनका पासपोर्ट मांगने लगे, और यहाँ पे जो इनसे पैसे है वो देखना चाह रहे थे कि इनके पास कितने पैसे हैं ताकि इनसे इनको लूटा जा सके। तो यहाँ जो चीज़ें हुई हैं इनके साथ, ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि इनके साथ जी स्कैम हो सकता था। कोई भी बंदा जो होशियार ना होता, अकलमंद ना होता, वो इन लोगों के हाथों लाजमी लूट जाता, तो कुछ ना कुछ उसकी जो स्नैचिंग है वो लाजमी हो जाती। अब ये लड़के ने जो है ना काफ़ी होशमंदी का मुजाहरा किया और काफ़ी अकल से काम लिया, जिसके बाद ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको साथ ले के उस जगह पे गया, जिसके बाद ही उन्होंने माफ़िया मांगनी शुरू कर दी कि हमें माफ़ कर दो एंड ब्ला ब्ला। तो इस टाइप की चीज़ें हुई और जिसके बाद जो है ये इंडिया के लिए रवाना हुए। पहले आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, उनका क्या कहना है इस तरह के लोग, स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो, स्पेशली जो लोग ट्रैवल करते हैं और जिनको अंदाज़ा नहीं होता कि ऐसी चीज़ भी उनके साथ हो सकती है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली अवेयरनेस के लिए ये, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह कौन से लोग हैं जो उनसे स्कैम भी कर सकते हैं। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक करें, वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू गाइस टिल देन, टेक केयर, लव।